गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे VB.NET में पैरामीटर पासिंग। दो तरीके होते हैं पैरामीटर्स पास करने के, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। ये सिर्फ VB.NET में नहीं, सब में कॉमन है ये चीज़। C++, VB.NET, PHP, जावा, जो भी लैंग्वेजेज हैं, सब में ये टॉपिक है वो कॉमन है, ठीक है, एक ही तरीका रहेगा। तो दो तरह से पैरामीटर्स को हम पास करते हैं, वैल्यू के द्वारा और रेफरेंस के द्वारा, मतलब एड्रेस को यूज करते हुए। तो क्या डिफरेंस होता है इनमें, क्यों दो तरीके हम अपनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। देखिए, फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए आप ऑनलाइन है, वो कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप एक फंक्शन है। और आप कॉल कर रहे हैं तो आप क्या है, कॉलर है। आप फोन लगा के कर सकते हैं, मैसेज करके कर सकते हैं, कोई ऐप से कर सकते हैं, वेबसाइट से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल कर रहे हैं तो आप कॉलर हैं, आप कॉलर फंक्शन हो गए। अब आपने जैसे ऑर्डर किया, उसके बाद में आपके घर पर वो सामान डिलीवर होता है, तो जो डिलीवर करने वाला आदमी है या जो कंपनी है उसको आपने कॉल किया, तो वो होता है कॉली, ठीक है, उसको कॉल किया आपने, तो आप हो गए कॉलर और वो हो गया कॉली। ये दो तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है, आप कॉलर हो और वो है कॉली। कॉलर है, उसको आदेश देना है, कॉली को आदेश देगा कि मेरा ये काम कर दो आप, तो कॉली है वो काम करके उसको दे देगा। अब कॉलर है, उसको ये मतलब नहीं है कि कॉली किस तरह से करेगा, भाई आपको नहीं मतलब है कि आपने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है या कोई भी सामान ऑर्डर किया है, तो वो कहाँ से आएगा, कौन बना रहा है, कैसे क्या हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कॉल कर दिया, अब जो कॉली है वो फंक्शन, उसकी जिम्मेदारी है वो किसी भी तरह से अरेंज करेगा, लेकिन आप तक वो सामान पहुँचाएगा। तो यहाँ प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है, कॉलर होता है, मान लीजिए यहाँ पर कॉलर है, एक फंक्शन है, उसको क्या करना है, दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, मान लीजिए 5 और 7, उनको जोड़ना है। अब वो क्या करता है, वो देखता है कौन सा फंक्शन है जो जोड़ने का काम करता है, तो उसको फंक्शन को कॉल कर लेगा और उसको बता देगा भाई मेरे को ये दो नंबर हैं, ये जोड़ने हैं। अब वो कैसे जोड़ के देता है, क्या करता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो जोड़ के उसका रिजल्ट है 5 + 7 = 12, 12 उसको रिटर्न कर देगा। इस तरह से काम करते हैं फंक्शन, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में देखिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन है वो क्या है, कॉलर है, और ये है कॉली है। तो कॉलर फंक्शन है वो कॉल करेगा, कॉलर फंक्शन का नाम क्या है, मेन, मेन फंक्शन है, और इसके अंदर माई फंक्शन ये माई फंक्शन, ये किसका नाम है, कोली का, ये देखिए इस फंक्शन का नाम है, तो इसको याद किया इसने, तो ये कंट्रोल अब इसके पास चला गया, और माई फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर कोड लिखा हुआ है कि ये क्या काम करेगा, ये अपना काम करके इसको सबमिट कर देगा, इसको कि ये लीजिए साहब आपका काम हो गया है, और फिर ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, इसमें जो कॉलर है वो क्या होता है, आदेश देने वाला होता है, और कॉली है वो काम करने वाला होता है। तो जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, भाई कुछ काम करवाना है तो उसके लिए जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो तो पास करेंगे ना। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो आप उसको बताएंगे कि मेरा एड्रेस ये है और मेरे को ये सामान चाहिए, और आप पेमेंट भी देंगे, तो जो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, तर्क पास करेंगे,
वो दो तरह से पास कर सकते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। कॉली जो फंक्शन होता है, जो कॉल प्राप्त करता है, वो कॉलर के द्वारा कॉल किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया दो तरह के फंक्शन होते हैं, कॉलर और एक कॉली। कॉलर कॉल करने वाला और कॉली जिसको कॉल किया गया है। तो कॉलर क्या है? आदेश देने वाला, और कॉली है उस आदेश का पालन करने वाला। तो जो फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम हम पैरामीटर पास करते हैं, उनको हम बोलते हैं वास्तविक पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो पैरामीटर्स फंक्शन को प्राप्त होते हैं वो होते हैं औपचारिक पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो जो पास करेंगे वो होंगे एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो उसको प्राप्त होते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्या एक फंक्शन बनाया है, सब स्वेप, स्वेप करने का फंक्शन है, वो क्या है? कॉली है। तो इसने दो पैरामीटर पास किए थे, इसमें दो पैरामीटर आए, जो कॉली है स्वेप करने का जो काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं इसमें। देखिए, तो ये जो मेन फंक्शन है ना, वो क्या है? कॉलर है, ये आदेश देने वाला है। इसके पास क्या है? ए और बी दो वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू है 100 और 200, और ये आदेश करेगा किसको? करेगा इसको, स्वैप को। स्वैप का क्या काम है? ए और बी की वैल्यू को आपस में स्वैप कर देना, एक्सचेंज कर देगा वो। ए की वैल्यू 100 है और बी की 200, तो ए की 200 कर देगा और बी की 100 कर देगा, ऐसे इन दोनों की, जैसे अदला बदली कर देगा इनकी। तो ये स्वेप का काम है। अब मैन को इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे काम करेगा, इसने काम दे दिया इसको कि भाई ये मेरे को काम करके दो। तो ए और बी पास किया, अब ए और बी है वो इसके पास में चले गए, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन ए और बी इसके पास जाके क्या बन गए? एक्स और वाई, इसके पास एक्स और वाई बन गया। अब इसने चेंज किया, एक्स और वाई को आपस में इनकी वैल्यू है वो अदला बदली कर दी। तो एक्स पहला पैरामीटर लिया और दूसरा वाई लिया, और यहाँ पर हमने पास किया था उस टाइम पहला ए और बी था, इसका मतलब जो ए की वैल्यू थी वो तो एक्स में चली गई और बी की वैल्यू वाई में चली गई। तो एक्स तो 100 हो गया और वाई 200 हो गया, और जब इसने अदला बदली की तो एक्स की वैल्यू हो गई 200 और वाई की वैल्यू हो गई 100। तो इसके पास तो अदला बदली हो चुकी है, लेकिन जब काम करके वापस लौटाएगा तब वो अदला बदली होके नहीं जाएगा, क्योंकि इसने अदला बदली किसकी है? एक्स और वाई की वैल्यू की है, ए और बी जो ओरिजिनल थी उसकी नहीं है, क्योंकि इसके पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं, ओरिजिनल जो पैरामीटर थे वो नहीं गए हैं। इसके पास तो एक तरह से फोटोकॉपी गई है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आपने उस डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करके किसी को दे दिया। तो जो बंदा जिसको प्राप्त हुआ है वो उसमें अगर कुछ चेंज करता है तो उस फोटोकॉपी में चेंज होगा, ओरिजिनल तो आपके पास है ना, उसमें ओरिजिनल में चेंज थोड़ा होगा, उस फोटोकॉपी में होगा। तो उसने बोला कि मैंने तो चेंज कर दिया है, लेकिन एक्चुअल जो था उसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है पास बाई वैल्यू के अंदर। ठीक है, जोड़ने वाला काम बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन इस तरह का जो काम होता है जिसमें ओरिजिनल जो पैरामीटर था उसमें चेंज करने का काम था, वो नहीं कर पाता है पास बाई वैल्यू में। तो ऐसी हमारे पास प्रॉब्लम आई, तब हमने पास बाई रेफरेंस दूसरा तरीका अपनाया। तो देखिए, जब ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको हमें मॉडिफाई करना होता है। तो जैसे कि लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कॉल बाई वैल्यू, तो कॉल बाई वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू में मॉडिफाई नहीं कर सकता, वो सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ओरिजिनल पैरामीटर नहीं जा रहे, उसके पास तो फोटोकॉपी जा रही है,
कॉपी जा रही ना उसकी, तो वो तो कॉपी में चेंज करेगा, ओरिजिनल में कैसे करेगा। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम उसको क्या पास करते हैं, एड्रेस पास कर देते हैं कि भाई ये एड्रेस है, कॉपी पास नहीं करेंगे, ये एड्रेस है। तो वो क्या करेगा, एड्रेस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ओरिजिनल पैरामीटर पर। अब जो वो मॉडिफाई करेगा वो ओरिजिनल पैरामीटर पर होगा, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, दो तरह से हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं फंक्शन में, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन जब ओरिजिनल पैरामीटर्स को चेंज करना होता है तब कॉल बाय वैल्यू हमारा फेल हो जाता है, तो कॉल बाय रेफरेंस वहाँ पर काम करता है। तो पास बाय वैल्यू को हम देखते हैं, पास बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉलिंग ब्लॉक होता है और वो फंक्शन जिसको हम कॉल किया है। जैसा कि मैंने बताया इसमें क्या होता है, जो कंटेंट है उसकी एक कॉपी भेजते हैं, ओरिजिनल नहीं भेजते, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो आप, ऊपर एक फंक्शन है गीक अंडरस्कोर फंक्शन, उसमें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या है, 10 और 12। अब ये क्या जा रही है, कॉपी जा रही है इनकी गीक फंक्शन के अंदर, और गीक फंक्शन में हमने क्या कर दिया, एक्स इक्वल टू 40 कर दिया, वाई इक्वल टू 50 कर दिया। तो एक्स और वाई की वैल्यू 40 और 50 हो गई है, ओरिजिनल जो पैरामीटर थे उनकी वैल्यू नहीं हुई है ये, ठीक है। पास बाय वैल्यू मीन्स ए कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू इज मेड इन मेमोरी, जो एक्चुअल पैरामीटर से उनकी एक कॉपी भेजते हैं कॉली फंक्शन के पास। द कॉलर एंड द कॉली हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद द सेम वैल्यू। अब इनके जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इफ द कॉली मॉडिफाइज द पैरामीटर वैल्यू द इफेक्ट इज नॉट विजिबल इन द कॉलर, ठीक है। जब कॉली है वो मॉडिफाई करेगा पैरामीटर के अंदर, तो वो ओरिजिनल जो पैरामीटर थे उनके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हमने तो उसको कॉपी दिया है, उस कॉपी में चेंज हुआ है, ओरिजिनल में नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं, कॉल बाय वैल्यू में, पास बाय वैल्यू में क्या होता है, पासेज एन आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू, एक आर्ग्यूमेंट है उसको वैल्यू के द्वारा पास करते हैं। कॉली डज नॉट हैव एनी एक्सेस टू दी अंडरलाइंग एलिमेंट इन दी कॉलिंग कोड, जो कॉलिंग कोड है उसके अंदर कोई एक्सेस नहीं कर पाता, उसको जो पैरामीटर दिया है उसी पर करेगा। ए कॉपी ऑफ द डेटा इज सेंड टू दी कॉली, डेटा की एक कॉपी भेजते हैं उसके पास, ओरिजिनल डेटा नहीं भेजते हैं। चेंजेज मेड टू द पास्ट वेरिएबल डू नॉट अफेक्ट द एक्चुअल वैल्यू। अब जो चेंज करेगा कॉली फंक्शन वो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल पैरामीटर तो उसके पास है ही नहीं, उसके पास तो कॉपी है, उस कॉपी में चेंज हो रहा है। वीवी डॉट नेट के अंदर कोड हम इस तरह से लिखते हैं, मॉड्यूल मॉड्यूल 1, मॉड्यूल स्टार्ट हुआ तो मॉड्यूल एंड भी होगा नीचे। फिर क्लास, क्लास का नाम हमने दिया पास बाय वैल्यू, तो एंड क्लास भी होगा नीचे। फिर हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक सेड सब चेंज बाय वैल्यू एन एज इंटीजर, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर हमारा एन है वो एक वेरिएबल है, और एन के अंदर हमने क्या कर दिया, एन प्लस 100, उसमें 100 जोड़ दिया और एंड सब, ये फंक्शन हमारा इतना था। उसके बाद में हमारा मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन में हमने एन की वैल्यू कितनी डाली, 5, 5 है वो वैल्यू हमने पास कर दी चेंज एन, तो एन के अंदर गया तो 5 प्लस कितना हो गया, 100, ये हो गया। वन हंड्रेड एंड फाइव, और फिर हमने इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, तो अब इसमें ओरिजिनल के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, तो इस फंक्शन के अंदर तो चेंज हो जाए, लेकिन मेन फंक्शन में वापस हम जाएंगे वहां पर चेंज नहीं होएगा। ये पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, पास बाय रेफरेंस के अंदर जैसे इस फंक्शन में आप देख सकते हो वॉइड मेन, मेन के अंदर एन की वैल्यू कितनी है, 10। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे तो एम्परसेंड एन लिखा है, मतलब उसकी वैल्यू पास नहीं कर रहे, उसका एड्रेस पास कर देंगे। यहां तक क्या करते, वैल्यू पास कर रहे थे तो कॉपी पास जा रही थी, अब यहां पर एड्रेस पास कर देंगे, इसका मतलब ओरिजिनल पैरामीटर पास कर दिया। अब फंक्शन है
वो काम करेगा और उसमें क्या करेगा, ऐड करेगा 20। पॉइंटर लिया हमने स्टार ऐड, तो इस 20, तो पहले वैल्यू जहां हमारी 10 थी वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ओरिजिनल जो पैरामीटर था उसकी वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि हमने उसका एड्रेस पास कर दिया था, पास बाय रेफरेंस। इसको हम पास बाय एड्रेस भी बोलते हैं, मीन्स टू पास द रेफरेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द कॉल्ड फंक्शन, सो दैट अ कॉपी ऑफ द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज मेड इन मेमोरी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस में उसका एड्रेस पास कर देंगे। द कॉलर एंड द कॉली यूजेज द सेम वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, कॉल बाय वैल्यू में कॉलर था उसके पास अलग पैरामीटर थे और कॉली के पास तो बेचारे के पास क्या थी, उसकी कॉपी थी, ओरिजिनल तो उसके पास था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा कॉली फंक्शन है उसको परमिशन मिल जाती है ओरिजिनल पैरामीटर को एक्सेस करने की। इसका मतलब कॉली और कॉलर दोनों एक ही पैरामीटर को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो कोली अगर कुछ चेंजेस करेगा तो वो ओरिजिनल में चेंज हो जाएगा। इफ द कोली मॉडिफाइज द पैरामीटर वेरिएबल द इफेक्ट इज विजिबल टू द कॉलर्स वेरिएबल। अब इसके अंदर क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करते थे और यहां पर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं बाय रेफरेंस। कोली गिव्स अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द प्रोग्रामिंग एलिमेंट इन द कॉलिंग कोड। तो कोली है उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, डायरेक्टली उन वेरिएबल्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है, वैल्यू उनकी मॉडिफाई कर सकता है। द मेमोरी एड्रेस ऑफ द स्टोर्ड डेटा इज पास्ट। तो जहाँ पर हमने डेटा को स्टोर किया है उसकी मेमोरी पास करते हैं, उसका मेमोरी एड्रेस पास करते हैं हम, जबकि कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यू पास कर रहे थे। तो वैल्यू पास कर तो क्या हो रहा था, बेचारी कोली के पास क्या जा रहा था, सिर्फ उसकी कॉपी। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या जा रहा है, उसका एड्रेस जा रहा है और एड्रेस के थ्रू वो क्या करेगा, वहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देगा। चेंजेस टू द वैल्यू हैव एन इफेक्ट ऑन द ओरिजिनल डेटा। अब वैल्यू में जो चेंज होगा वो ओरिजिनल डेटा में चेंज हो जाएगा। तो इनका जो यूज है वो बहुत ही सावधानी से करना होता है। जब हम चाहते हैं कि जो कॉली है वो ओरिजिनल डेटा तक नहीं पहुँचे, सिर्फ वो अपनी कॉपी में ही चेंज करे, तब तो हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं। और जब हमें ओरिजिनल पैरामीटर में चेंज करवाने की ज़रूरत होती है तब कॉल बाय रेफरेंस। vb.net में कुछ इस तरह से लिखेंगे, इनको दोनों का डिफरेंस देखेंगे, मॉड्यूल मॉड्यूल वन सब मेन। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट हाई रेट एच डबल डिम लो रेट इक्वल टू हाई रेट इंटू 0.6। इनिशियल डेप्ट कितना, 4999। मेक अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डेप्ट। कैलकुलेट टोटल डेप्ट विद द हाई इंटरेस्ट रेट अप्लाइड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें दोनों तरीके अपनाए गए हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का। ठीक है, तो इसमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है वो सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं सब में काम में लिया जाता है। सिर्फ जो लैंग्वेज है उसका सिंटेक्स चेंज होता है, बाकी जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।